ओके बच्चा पाटी, ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ एसी सर्किट्स, आपका जनरेटर है बेसिकली। इस जनरेटर के प्रिंसिपल पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर दो मैग्नेट्स के बीच में, अगर आप इस जनरेटर के प्रिंसिपल से आपको नहीं मिल रही है, लेकिन लेट से आपके बिल्डिंग में अगर लाइट चली गई, तो जनरेटर चलाया जाता है लिफ्ट वगैरह को ऑपरेट करने के लिए। कोई अगर लिफ्ट में अटक गया तो भाई साहब जान पे आ जाएगी, है ना। तो जिन बिल्डिंग्स में लिफ्ट होता है उन पे आपको पावर बैकअप देना पड़ता है, और ये पावर बैकअप जनरली हमको जनरेटर से अवेलेबल होती है। तो जनरेटर में उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? तो जनरेटर में उसको मोटर घुमाया जाता है, तो मोटर ऐसे घूमता है, और ये मोटर घूमता है बिटवीन टू मैग्नेट्स। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉर्थ और साउथ पोल होता है जिसके बीच में ये घूम रहा है, और जब ये घूम रहा है तो वॉट एग्जैक्टली इज चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। यस सर, हो गया है। हाँ तो उनका भी हो जाना चाहिए, गधे लोग क्या कर रहे पता नहीं। तो अगर आपका एक मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज हो रहा है, वो जो मोटर घूम रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी से घूम रहा है, मतलब आप जनरेटर में डीजल डालते हैं या कोई भी ऑयल डालते हैं जिसपे वो चलता है, जैसे एक मशीन चलती है या जैसा एक व्हीकल चलता है, वैसे ही ऑयल पे ये चलता है, ठीक है। सो ऑयल पे ये चल रहा है, तो आपका जब घूम रहा है तो दो पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज कॉल्ड अ जनरेटर, ठीक है। अभी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फर्क क्या है? डीसी जनरेटर में एक एक टाइप का ही मोशन होगा, मतलब आपका जो पोल्स है वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे तार होते हैं और इनमें कार्बन स्लिप रिंग्स होते हैं, 10th में आपने ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग्स जो है वो ऐसे सर्किट के साथ छुए रहते हैं, तो आपका अगर जब एक हाफ रोटेशन हो जाता है तो स्लिप रिंग से कांटेक्ट चला जाता है, फिर से वो हाफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जब होता है तो हमारा एसी सर्किट जनरेट होता है, एसी सर्किट का करंट जनरेट होता है, अदरवाइज इट्स अ डीसी सर्किट करंट। सो जनरेटर, क्योंकि देखो आपका जो भी सिस्टम है, आपके बिल्डिंग में जो लिफ्ट का सिस्टम है वो भी भाई साहब एसी करंट पे डिजाइंड है, डीसी करंट पे डिजाइंड नहीं है। तो आपको जो पावर बैकअप चाहिए, जो पावर आपको जनरेट करना है, दैट हैज टू बी एसी। आप अगर अपने घर में भी जनरेटर लगा रहे होंगे, मैं इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने जनरेटर देखा है? छोटे छोटे लाल कलर के होते हैं, तो दीज आर बेसिकली जनरेटर, थोड़ा सा नॉइज करते हैं वो, लेकिन दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई बर्निंग ऑयल। तो ये जो जनरेटर्स होते हैं, ये भी आपके घर में अगर आप जनरेटर लगा रहे होंगे, पुराने जमाने में तो इन्वर्टर नहीं था, पुराने जमाने में आपके जनरेटर्स ही हुआ करते थे, तो अगर घर में भी आप लगा रहे होंगे, दैट हैज टू बी एन एसी जनरेटर। वो डायरेक्ट करंट का जनरेटर नहीं हो सकता, आपका कोई भी जितने भी सर्किट्स हैं वो डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, सो जनरेटर डायनामो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी भाई साहब मतलब क्या हो जाएगा? मूवमेंट वाला एनर्जी है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब भाई साहब आपका मूव हो रहा है, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली द नेम जनरेटर इज अ व्हेन, ठीक है, एन एसी जनरेटर इज वन ऑफ विच प्रोड्यूसेस अ करंट दैट ऑल्टरनेट्स और चेंजेस इट्स डायरेक्शन रेगुलरली आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपका भाई साहब एसी करंट होता है, वैसे ही आपका ये जनरेटर भाई साहब चेंज होता रहता है इसका, ठीक है। दैट इज इट अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एसी जनरेटर इज ड्यू टू निकोला टेस्ला, द यूगोस्लाव साइंटिस्ट हु बिल्ट इट इन द ईयर 1888। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल भाई साहब क्या है? व्हाट इज इट? आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होगा? बोला बोला जल्दी से बोला भट, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? हाँ, और कुछ नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न्स माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और डी फाई बाई डी टी क्या होगा? डी वो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो तुम ईडीएस क्यों बोल रहे हो? अरे चाचू मेरे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तू जो बोल रहा है वो ईडीएस बोल रहा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, ठीक है। डी फाई बाई डी टी ये कितना हो जाएगा भाई साहब? आपका बी ए और आपका लेट्स से कॉस थीटा, कॉस फाई जो भी होगा भाई साहब आपका एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो दिस विल बी माइनस एन डी फाई बाई डी टी, मतलब बी ए कॉस फाई बाई डी टी। तो आपका डी, सॉरी आपका फाई का वैल्यू कितना होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, फाई का वैल्यू होगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस ओमेगा टी। थीटा क्या है? थीटा आपका एंगल है, एंगल मतलब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका
तो अगर डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो कहाँ आ जाएगा रे? ए जल्दी से बोलो, डी फाइव बाई डी टी। थोड़ा सा गलत है, गलत गलत है आपका। और चाची कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन? बाप रे, इसमें इतना सोचना पड़ रहा है भाई। ये इकलौता स्टूडेंट है जिसको देखने से मेरे को हंसी आ जाती है। वैसे सवाल क्या पूछा? हाँ, डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? ये बी ए आपका कांस्टेंट है, बी ए बाहर फेंको भाई साहब। कॉस ओमेगा टी का तुमको करना है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस साइन थीटा आएगा। अभी सब बड़बड़ 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 कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है? साइन ओमेगा टी, लेकिन साथ ही साथ ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसके लिए आपने ओमेगा नहीं बोला था, ठीक है? सो दिस विल बी बेसिकली आपका माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका डी फाइव बाई डी टी, ठीक है? अभी यहां पे आपका माइनस एन, ये वाला माइनस एन और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल सादा मैथ्स है भाई साहब, एन और ये हो गया आपका बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो आपका भाई साहब ये एक दिस इज बेस। तो यहां पे देखो ऐसे ब्रशेस होते हैं और ये आपके स्लिप रिंग्स हैं। ये स्लिप रिंग्स मतलब ऐसे होते हैं कि आधे में आपका कांटेक्ट छूट जाएगा और ये आधा आपका काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव होगा, ठीक है? तो दीज आर बेसिकली स्लिप रिंग्स, ठीक है? क्लोज कॉइल इज रोटेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स एक्सिस। तो ये 10th के लेवल का सवाल है, ये क्या कैसा होता है, स्लिप रिंग्स कैसे होते हैं, ये सब तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली होंगे, ठीक है? तो आपके इसमें क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक आपका हो जाएगा भाई साहब फील्ड मैग्नेट, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता, इट्स अ फील्ड मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों नहीं होगा तन्वी? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब समझते हैं, जो मैग्नेट आपके इलेक्ट्रिसिटी पे चलता हो उसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। हाँ उधर महफिल जम रही है भाई साहब, चकना उकना मंगाया जाए भाई साहब, है माहौल बन रहा है भाई साहब। हाँ भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों नहीं होगा? एकदम सिंपल फालतू चीजें पूछ रहा हूं, तुम लोग एक पैसे का दिमाग नहीं लगाते। हाँ साहब बोलिए। हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी, अरे तुम इसको जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से प्यार तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी क्यों? जो तुम्हारा आउटपुट एनर्जी है वो तुम्हारा इनपुट एनर्जी कैसे हो सकता है? जो अगर तुमको एसी जनरेटर यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो तुम उसमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों दोगे? ठीक है, तो फील्ड मैग्नेट होता है, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ हॉर्स शू शेप इन अ स्मॉल डायनामो, और इट इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ लार्ज डायनामो। इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। आर्मेचर इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस, उस पर लपेट लपेट के भाई साहब तारें होती हैं, ठीक है? हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर, द कोर इज लैमिनेटेड वन टू अवॉइड लॉसेस ड्यू टू एडी करेंट्स। तो आपका लैमिनेटेड कोर, हमने देखा कि एडी करेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम इसको लैमिनेट करते हैं, ठीक है? सॉफ्ट आयरन कोर कॉन्सेंट्रेट द लाइन ऑफ फोर्सेस टू इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी। तो आपके सॉफ्ट आयरन कोर का अगर हमने जब हिस्टेरेसिस लूप देखा था, तो हमने देखा था कि उसकी कोर्सिविटी और उसका जो रिटेंटिविटी होता है दोनों ही सपोर्ट करता है कि वो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करता है ज्यादा देर के लिए, ठीक है? और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी वो ज्यादा करके अंदर ही रखता है, ठीक है? द आर्मेचर कैन बी रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फील्ड मैग्नेट अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू फील्ड। स्लिप रिंग्स होते हैं, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें इसलिए है क्योंकि अगर आपके स्लिप रिंग्स नहीं होंगे तो वो जो जनरेटर होगा वो डीसी जनरेटर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपके स्लिप रिंग्स होंगे तो ही वो एसी जनरेटर होगा, अदरवाइज इट विल चेंज इनटू अ डीसी जनरेटर, ठीक है? डायरेक्ट करंट का जनरेटर हो जाएगा। द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू टू कोएक्सियल ब्रास रिंग्स S1 एंड S2 व्हिच आर आल्सो नोन एज स्लिप रिंग्स। द रिंग्स आर रिजिडली फिक्स्ड टू सेम शाफ्ट। तो ये शाफ्ट होता है, देखो ये ऐसा शाफ्ट है और इसमें फिक्स चाहिए, ठीक है? The slips are insulated from each other as well as from the shaft. As the armature coil rotates, the slip rings also rotate about the same axis of rotation. तो उसी में आपका भाई साहब रोटेट होगा। Brushes to graphite of graphite आपका एक कंडक्टर होता है, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ऑफ फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड्स कॉल्ड ब्रशेस आर लाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द टू स्लिप रिंग्स। तो ऐसा देखो सिर्फ कॉन्टैक्ट रहता है, ये जो ब्रशेस हैं इनके साथ स्लिप रिंग्स का ऐसा कॉन्टैक्ट रहता है, जैसे ये घूमेगा कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, फिर से दूसरा वाला स्लिप रिंग इधर आ जाएगा। तो आपका एक आर्मेचर कॉयल में
जिस इंस्टेंस पे इधर से इधर करंट जा रहा था, दूसरे हाफ में इधर से इधर करंट जाएगा, ठीक है? सो द करंट डायरेक्शन विल चेंज इन द कॉइल. सो लेट्स से वी हैव ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, व्हाट एवर वेज यू वॉन्ट टू नेम इट, बट इफ एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी टू क्यू, इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल यू विल फाइंड द डायरेक्शन हैज चेंज फ्रॉम क्यू टू पी. इसीलिए आपका एसी जनरेटर है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, ठीक है? तो इतना डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर 10th में कवर हो चुका है, ये चैप्टर नहीं, ये पर्टिकुलर टॉपिक. एंड नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर क्वेश्चंस, एंड इफ यू स्टिल डोंट आंसर देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे. तो आपका देखो यहां पे आर्मेचर कॉयल है, पी क्यू आर एस ऐसे जा रहा है. जब ये इधर आ गया तो अभी पी से क्यू में जा रहा था, अभी कैसे जाएगा? क्यू से पी में, ठीक है? जिस कॉयल में करंट का डायरेक्शन एक तरफ था, उसके हाफ साइकिल के रोटेशन में करंट का डायरेक्शन दूसरी तरफ हो गया, एंड दैट प्रिसाइसली एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एसी डायनामो, ठीक है? या एसी जनरेटर हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है? पोलैरिटी चेंज हो रही है. इट इज थ्रू दीज ब्रशेस दैट द करंट इंड्यूस इन द आर्मेचर कॉयल इज फेड टू द एक्सटर्नल सर्किट बाई मीन्स ऑफ लाइन वायर्स, ठीक है? सोर्स ऑफ एनर्जी द आर्मेचर कॉयल इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है? और एनी अदर डिवाइस कनेक्टेड टू इट. तो किसी भी डिवाइस जो कनेक्टेड है इसमें, ठीक है, इट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विद अपने टर्बाइन विच इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आपके टर्बाइन्स होते हैं, देखो ऐसा समझ लो जो मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, तो आपका ऐसे आपने डैम बना दिया यहाँ पे, अभी जब वाटर को रिलीज करते हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. नीचे बड़े बड़े टर्बाइन्स होते हैं, इनका भाई साहब जोर से होता है रोटेशन, क्योंकि वो जो काइनेटिक एनर्जी वो जोर से इनको भाई साहब रोटेट करती हुई जाती है. जब ये रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत रैपिडली चेंज होता है, जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है? सो एज द आर्मेचर कॉइल रोटेट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस एंड सो एन इंड्यूस करंट फ्लोस थ्रू इट, ठीक है? तो ये इंड्यूस करंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई साहब? अरे बोलो ना भाई साहब, इतने मासूम चेहरे बना कर रखे हो भाई साहब. माइनस एन, ये हो गया आपका डी फाई बाई डी टी. फाई की वैल्यू क्या हो गई? बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है? तो आपका ई का वैल्यू कितना हो गया? माइनस मर जाएगा ना इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, माइनस माइनस मर गया. तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम वोल्टेज, ये इस तरह पे सवाल बनेंगे, ठीक है? वो कैसे घूम रहा है, कैसे लहराता हुआ घूमे, इसे सब बेकार है, ठीक है? आपका जो सवाल बनेगा वो इन सब चीजों पर बनेगा, ठीक है? तो जिस पे सवाल बनेगा उस पे फोकस कीजिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, भाई नंदिनी आप बताइए मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी, बट भाई यस साइन की वैल्यू 90 होगी. अरे भाई साहब इसमें देखो ना क्या वेरिएबल है तुम्हारा, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या ये वेरिएबल होंगे? नहीं. मैग्नेटिक फील्ड ये वेरिएबल होगा? नहीं. छुछुंदर हैं सब भाई साहब, छुछुंदर देखा है, चूहा नहीं होता वो. तो ये एन और ये हो गया बी, मतलब हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका ए दैट इज एरिया ऑफ द आर्मेचर कॉइल. ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इज बेसिकली द स्पीड ऑफ रोटेशन. कुछ पूछ रहे हैं? नहीं. यहां पे आपका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है? और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है? तो इस केस में आपका ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोला बोला जल्दी से बोलो. एन बी ए ओमेगा, सिंपल. ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज. व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू एनी मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट बाई आर. भाई साहब वी इज इक्वल टू आई आर, सिंपल, ठीक है? तो इसमें हम लिख सकते हैं एन बी ए ओमेगा बाई आर, ठीक है? एन बी ए ओमेगा बाई आर. कुछ पूछ रहे हैं? नहीं. ओके. अगर मैं आपको बोलूं कि जब आपकी फाई की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी या आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? एक पैसे का सोचता नहीं है तू. फाई की वैल्यू देखना क्या है, फाई की वैल्यू क्या है? कॉस ओमेगा टी. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी?
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, जीरो पे। तो भाई साहब कॉस ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो पे फाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बी ए। जब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी भाई साहब। यहां पे साइन ओमेगा टी है, एक कॉस में है दूसरा साइन में है। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पीपल, अगर फाई की वैल्यू दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी मैक्सिमम में है तो आपका ई का वैल्यू आपका मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली करंट भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। फाई का वैल्यू मतलब आपका मैग्नेटिक मतलब क्या है, फाई की वैल्यू जीरो कब होगी भाई, ये वाला जो होगा फाई का वैल्यू जीरो कब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। अरे तुम लोग क्या खाना उन्हें खा के आए, कुछ और चीज का सेवन हुआ है भाई साहब, अभी तो नवरात्रि चल रही है, अभी ये सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन किया है क्या। अरे भाई साहब ओमेगा टी है, ओमेगा टी को हम क्या बोल रहे हैं कि ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है, मतलब क्या हो गया है आपका ये आर्मेचर कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए ना भाई साहब, तो परपेंडिकुलर कहां से बोल रहे हैं। ओमेगा टी की वैल्यू जीरो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब जब आपका ये जो कॉयल है जब ऐसे हो जाएगा तो आपका ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, आई का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, इट विल बी जीरो, ठीक है, क्लियर है। ओके सो ये सब कैलकुलेशन हैं जो बहुत आसान से हैं, आपका ई का वैल्यू जीरो। अभी अगर मैं बोलूं आपका फाई का वैल्यू मिनिमम, मिनिमम फाई का वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 दैट इज जीरो, और ये कब होगा जब भाई साहब ये एकदम यहां पे आ गया हो, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर हो। ओमेगा टी बेसिकली आपका कितना हो गया है 90 डिग्री, ओमेगा टी की वैल्यू हो गई है 90 डिग्री, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ये हो गया आपका बी ए कॉस ओमेगा टी दैट इज कॉस जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। यहां पे बताओ मेरे को ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, इट विल बी मैक्सिमम क्योंकि साइन ओमेगा टी आपका मैक्सिमम होता है, तो ई की वैल्यू ही मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसीलिए फाई की वैल्यू जब मिनिमम है तो ई की वैल्यू भाई साहब मैक्सिमम है, और जब फाई की वैल्यू भाई साहब मैक्सिमम है तो ई की वैल्यू मिनिमम है। और यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू मतलब कैसी है, यहां पे मिनिमम मतलब होगा कब, जब आपका ये पूरा पूरा जीरो हो जाए, ठीक है, और इसी को अपन ई नॉट बोलते हैं, ठीक है, और यहां पे ये आपका जीरो हो जाए, सॉरी ये आपका हो जाए भाई साहब बी ए कॉस ओमेगा टी जो भी है, ठीक है, और यहां पे बी ए सिर्फ बी ए हो जाएगा ये, ठीक है, और यहां पे ई आपका जीरो हो जाएगा। यहां पे मिनिमम वैल्यू मतलब जीरो हो जाएगी, ठीक है, ई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ऑब्वियसली आपका आई का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है, ये सब आपका भाई साहब लंबा चौड़ा है, ठीक है, कॉल एसी जनरेटर और ऑल्टरनेटर। व्हाट मैटर्स हियर इज एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, फेस एरिया ऑफ ईच टर्न, मतलब ये ऐसे जा रहा भाई साहब, एक एरिया ये कवर करता हुआ, ये फिर से दूसरा वाला वायर भी ये एक एरिया कवर करता हुआ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आई तन्वी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी टेस्ला, अच्छा और दूसरा क्या यूनिट हो सकता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके थीटा इज द एंगल विच द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स विद द फील्ड एट एनी इंस्टेंट, इस थीटा की वैल्यू आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ओमेगा इज बेसिकली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन एंड टी इज द टाइम, ठीक है, टी इज द टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी विद विच द कॉइल रोटेट्स, एंगुलर वेलोसिटी किसमें होगी आपकी, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी विल बी इक्वल टू हाउ मच, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई की वैल्यू कितनी हो गई, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी डी फाई बाई डी टी, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है, दैट विल बी माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ एन, सॉरी यहां पे आपका बी ए कॉस थीटा ना, ये एन नहीं आएगा यहां पे, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया माइनस एन बी ए, और ये हो गया आपका ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस इसका बाहर आएगा, माइनस माइनस पैसा कैंसिल होकर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर एनी टाइम इंस्टेंट, ठीक है, इट इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब आपका ये जो एन बी ए ओमेगा होगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ई एम एफ एंड दैट विल हैपन व्हेन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए 90, ठीक है, वेयर इज थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए भाई साहब 90, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी,
ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर क्लियर है भाई साहब? ओके तो आपका आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा मतलब मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट ऑब्वियसली विल कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम वोल्टेज। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या अपन बोल सकते हैं ईएमएफ। तो अगर ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जब पकड़ेगा, तब जब इसने अपना मैक्सिमम वैल्यू पकड़ा हो, ठीक है। आर तो आपका कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, एन बी ए बाई आर, एन बी ए ओमेगा बाई आर। ठीक है क्लियर है? इजी कैलकुलेशन है भाई साहब, कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मामला नहीं है यहाँ पे। ओके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भाई साहब होता क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में आप वाटर के वेलोसिटी को रोक कर आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते हो। तो कोई भाई साहब बहता हुआ नदी था, उसको आपने रोक दिया, तो रोक दिया तो भाई साहब उसके काइनेटिक एनर्जी को रोक दिया। अभी धीरे 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 किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में अभी आपको वो जो ड्रॉप मिल रहा है उसको आप यूज करें। तो दिस इज बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इंडिया में 20% पावर सप्लाई, मोर देन 20% आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से होता है। ठीक है, कुछ डैम्स के नाम मालूम है? मोरे डैम, ओके। और सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला डैम है हमारे इंडिया में? हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ करेक्ट, भाखड़ा नांगल डैम, दैट इज द मोस्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करता है। ठीक है, इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम एट अ हाइट फ्रॉम विच इट फॉल्स इनटू जायंट वाटर व्हील्स और टर्बाइंस। दीज टर्बाइंस आर कनेक्टेड टू द लूप्स ऑफ वायर्स, इनके भाई साहब वायर्स होते हैं, और ये वायर्स आपके डोमेस्टिक सप्लाई और आपके क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल सप्लाई से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर दिस गेट्स कन्वर्टेड टू रोटेशनल एनर्जी। जोर से उसको घुमाएगा, और क्योंकि वो मैग्नेट है तो जोर से जब घूमेगा तो उसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी भाई साहब जोर से घूमेगा। तो डी फाई बाई डी टी की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा ईएमएफ आपका जनरेट होगा। ठीक है, अभी अभी आपने देखा भाई साहब ईएमएफ क्या है। ईएमएफ इज द पोटेंशियल विच इज जनरेटेड, ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड इट विल डिपेंड अपॉन डी फाई बाई डी टी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा होगा और जितने जोर से आप उसको घुमा पाएंगे उतना ज्यादा आपका ईएमएफ भी जनरेट होगा। ठीक है, ओके, सो अल्टीमेटली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द जनरेटर। थर्मल पावर स्टेशंस आपके इंडिया में जो थर्मल पावर स्टेशन है, दिस इज बेसिकली अ गवर्नमेंट बॉडी, इसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बोलते हैं, एनटीपीसी बोलते हैं हम इसको। आपने सुना रहेगा कुछ एक या डेढ़ साल पहले, माने न्यूज चैनल तो भाई साहब आधे चरस मारकर लोग उसमें हैं, ठीक है, जो भी है। तो कुछ एक अफवाह आई थी कि इंडिया में कोल खत्म हो गया है, अभी हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सारा कुछ आ रहा था। ठीक है, तो द रीजन इज वाई, बिकॉज क्योंकि आपका थर्मल पावर स्टेशन में कोल का बहुत ज्यादा यूज होता है। होता क्या है भाई साहब आपका, ऐसे वो हमारे शाहरुख खान साहब थे ना भाई साहब, उन्होंने एक मूवी आई थी उनकी स्वदेश, उसमें उन्होंने वो डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी अपने गाँव में। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक होता है, वाटर का रिजर्वेयर बोलते हैं इसको, और इसको भाई साहब हम करते हैं हीट। तो इधर क्या यूज हुआ था, आपने बहती हुई नदी को रोका था और उसमें से भाई साहब ये जनरेशन हुआ था। इस बहती हुई नदी को रोकने से एक प्रॉब्लम ये है कि ये कोई भी हैबिटेट में जब भी आप चेंज लाते हैं तो उसके साथ साथ जितने भी प्राणी जुड़े होते हैं उन पे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इकोसिस्टम को आप बिगाड़ रहे हैं बेसिकली। तो ये जो बहती हुई नदी थी इस पे जितने भी आपके लाइफ फॉर्म्स थे विच वे डिपेंडेंट, दे वुड नॉट गेट देयर वाटर सप्लाई। सो ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इकोसिस्टम को हमारे लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगा। हाँ, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और भी दूसरे चीजें हैं जो इससे होती है। एक चीज ये होता है कि आपका बहुत सारा सेडिमेंट, आप मतलब अभी रिवर है, फ्लोइंग रिवर है, तो अपने साथ काफी सारा मैल लेकर आएगा। ये सेडिमेंट जमा होते 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 तो भाई साहब यहां तक आ जाता है। तो अभी ये जो हाइट बढ़ जाता है, मतलब आपको जो वाटर मिल रहा है वो उतना नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा हाइट का वाटर नहीं मिल रहा है, तो उतना पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सो इसीलिए उसका इफेक्ट कम होने लगता है, तो उसको आपको कंटिन्यूस क्लीनिंग मोड में रखना पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर। काफी सारे और भी चैलेंजेस हैं, डैम को बनाना मतलब उस पूरे एरिया को आप एक अलग ही फॉर्मेट में बदल देंगे, सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा इसका तरीका क्या है कि हम वाटर को इकट्ठा करें एक बड़े टैंक में और उसको करें हीट। जब हीट करेंगे तो उसमें से स्टीम जनरेट होगा। इस स्टीम, ये स्टीम बहुत जोर से बाहर निकलेगा। वैसे आपके जो स्टीम इंजिन्स होते थे पहले के जमाने में, जो ट्रेन्स होती थी, छुक 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 गाड़ी होती थी, वैसे देखा है काला कलर का, ठीक है। सो इसमें कैसा होता था कि आप
किसी ने एक्चुअली में देखा है स्टीम इंजन कहां पे? मूवी में देखा? अरे नहीं, हाँ हाँ कहां कहां चल रहा है अभी भी? अबे तू तो पैदा भी नहीं हुआ था। मैं मेरे को पैदा होकर 4-5 साल के बाद ये बंद हो गया था, मतलब इसीलिए हो नहीं सकता कि अभी हो, पता नहीं कहीं और देखा होगा कि नहीं, तो सपने उपने में देखा होगा, चलेगा। मैंने रियलिटी में देखी है। तो एक्चुअली में वैसा कैसा होता था कि एक बहुत बड़ा फर्नेस होता था और उसमें ना दो ड्राइवर्स होते थे। ये ड्राइवर्स मतलब ट्रेन नहीं ड्राइव करते हैं, ये ड्राइवर्स का काम था कोयला लेकर इसमें डालना, ठीक है? तो ये कोयला डालते रहते हैं और ये जो कोयला है दैट इज बेसिकली जनरेटिंग एज अ स्टीम, ठीक है? और इस स्टीम के वजह से, ठीक है, ये जो बहुत बड़ी मात्रा में स्टीम है, ये इस स्टीम की वजह से ये ट्रेन आगे जा रहा है, दिस इज बेसिकली मूविंग अहेड, ठीक है? ओके, सो थर्मल पावर स्टेशन, इन अ थर्मल पावर स्टेशन स्टीम इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉइलिंग वाटर। तो आप ये स्टीम जो है बहुत जोर से इन टर्बाइंस को घुमाएगा, ये स्टीम जो है बहुत जोर से इन टर्बाइंस को घुमाएगा। इन अ थर्मल पावर स्टेशन स्टीम इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉइलिंग वाटर यूजिंग कोल और ऑयल एज फ्यूल। द टर्बाइंस कपल्ड टू द लोब्स ऑफ एसी जनरेटर्स आर रोटेटेड बाय स्टीम रशिंग पास्ट देम एंड दस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड। न्यूक्लियर पावर प्लांट, दिस इज द फ्यूचर, ठीक है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको अभी पूरे सेफ्टी के साथ शायद यूज नहीं कर पा रहे हैं, बट दिस हैपेंस टू बी द फ्यूचर, ठीक है? एक Amazon Prime में शायद एक सीरीज आई थी रॉकेट बॉयज बोल के, किसी ने देखी है क्या? बिग बॉयज, भाई साहब बिग बॉस छोड़कर हम ये सब क्यों देखने लगे? उसमें काफी सारा रॉकेट बॉयज में एक्चुअली विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी बाबा जो हमारे न्यूक्लियर रिसर्च में जिनका बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन इंडिया, उनके ऊपर है ये मूवीज, ठीक है? और उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जब पहली बार चालू हुआ था एंड डॉक्टर होमी बाबा बस मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा बोला था कि इसको प्लीज लॉन्च कीजिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्स है। ये जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है BRC जिसको हम चेंबूर में जानते हैं, इट्स नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है? आपका एक और इंडिया मतलब बॉम्बे में ही है, मालूम है कहाँ पे? कोलाबा में? नहीं, BRC कोलाबा में नहीं है, लोग रहते होंगे वहां पे। आपका एकदम प्राइम रेसिडेंशियल एरिया में नहीं हो सकता। कोई चेंबूर में अंदर गया है क्या BRC में? अरे धत, BRC जो पूरा एरिया है वो कभी गए हो क्या? दिस इज बेसिकली आपको लगेगा कि आप भाई साहब किसी ड्रीम वर्ल्ड में आ गए, मतलब पहाड़ वहाड़ है सब कुछ है वहां पे। तो एक्चुअली में वो जो एरिया है इट इज सो कन्फाइंड, मतलब वहां पे आपका एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, सो बहुत कॉशन के साथ उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है? एक और आपका तारापुर में है, ठीक है? सो दीज आर प्लेसेस वेयर इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज देयर, और दिस इज बेसिकली द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। अगर हमको न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करना आ गया, ठीक है, तो देन वी विल हैव नेवर अ पावर शॉर्टेज, हमको कभी होगा ही नहीं, ठीक है? सो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। द जनरेशन ऑफ AC इज मोर इकोनॉमिकल देन DC, ठीक है? द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप अप और स्टेप डाउन यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर। द ऑल्टरनेटिंग करंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ चोक कॉइल विदाउट एनी सिग्निफिकेंट वेस्टेज ऑफ एनर्जी। द ऑल्टरनेटिंग करंट्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस, ठीक है? लगभग 10 साल पहले तक हमारे बॉम्बे में जो ये ट्रेन्स चलते थे वो बेसिकली DC करंट पे चलते थे, उसको चेंज करके AC किया गया है अभी, ठीक है? सो लोकल ट्रेन्स जो हैं दे हैव बीन फॉर्मेटेड इनटू AC, ठीक है? ऑल्सो क्योंकि बहुत सारा पावर लॉस हो रहा था। अभी जैसे समझ लो आपका मुंबई से आप नालासोपारा तक जा रहे हो, उतना बड़ा केबल लाइन में काफी सारा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है? तो AC में आपके जितने भी लेंथ हो उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है? ऑल्सो AC कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन टू DC बाई यूजिंग रेक्टिफायर्स। आपके रेक्टिफायर होते हैं, डायोड्स होते हैं। AC मशीन्स आर सिंपल एंड रॉबस्ट एंड डू नॉट रिक्वायर मच अटेंशन ड्यूरिंग देयर यूज, ठीक है? तो ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है ड्यूरिंग देयर यूज, ठीक है? पीक वैल्यू ऑफ करंट ऑफ AC इज हाई, क्योंकि I0 की वैल्यू भाई साहब √2 IRMS होती है। IRMS या IEffective कितना होता है? I0 / √2 होता है, तो I0 ऑब्वियसली इज हाई। इट इज डेंजरस टू वर्क विथ AC, ठीक है? तो आपका थोड़ा सा AC के साथ काम करना इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है? इन फिनोमिनाज लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग एक्सेट्रा AC कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है? इन सब में आपको DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जहां पे AC करंट को DC करंट में आप कन्वर्ट करते हैं। आपका सिंपल मोबाइल चार्जर जो है उसमें आप वही कर रहे हैं, AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। लैपटॉप का चार्जर हो गया, ठीक है, या PC जो आप चला रहे हैं, ठीक है, वो सब AC में DC पहले कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है?
एसी इज ट्रांसमिटेड मोर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर दैन फ्रॉम इन साइड, दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट, देयरफॉर सेवरल फाइन इंसुलेटेड वायर्स ठीक है आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एसी करेंट। ठीक है, ये सब आपके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपका फ्लक्स लिंक कितना हो गया भाई साहब, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, कहीं कहीं पे इस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, ना कि एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका भाई साहब थीटा, ओमेगा हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ विच विल बी इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये थीटा आपका बेसिकली रेडियंस में होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ तब होगा जब आपका फ्लक्स जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आपका एन बी ए ओमेगा, ठीक है, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई आर, दैट इज एन बी ए बाई आर, क्लियर है। फ्लक्स आपका भाई साहब किसमें हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर में नहीं होगा, सिर्फ वेबर में होगा। ठीक है, वाइल फील्ड बी इन टेस्ला, ए इन मीटर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी बात पे हम करते हैं एक सवाल, चलिए फटाक से एनसीईआरटी में सवाल है भाई साहब जो आपके बोर्ड्स में आया हुआ है, फटाफट फटाफट क्विक क्विक। कमला अच्छा, कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसाइकिल, द पेडल्स ऑफ विच आर अटैच टू अ 100 टन कॉइल ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर। यहां पे एन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 100। एन की वैल्यू यहां पे 100। ठीक है, सिंपल सा सवाल है देखो, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 0.10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इसको कैसे लिखेंगे, हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। हाँ जी, हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ओए नंदिनी अरे कुछ तो कार्यक्रम कर ही डालोगे ना, अगर एग्जाम में ये एक सवाल आ गया तो कुछ कहीं तक तो जाओगे ना, कि छोड़ दोगे, अरे पता नहीं कहाँ है रे भाई तक। चलो आगे बढ़ते हैं, ओमेगा बाई टू, ओमेगा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। तुम मुझे बताओ, अगर तुम ओमेगा बाई टू लिख रहे हो तो हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड को कैसे कॉपरेट, इसको कैसे इनकॉपरेट करोगे। ओमेगा क्या होता है यार, डी थीटा बाई डी टी, डी टी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो ये इंफॉर्मेशन को इसके साथ तुम जो बोल रहे हो उसके साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हो, हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, हाउ कैन यू से इट इज ओमेगा बाई टी, बताइए। हाफ अ रेवोल्यूशन, अगर तुम जो बोल रहे हो ना उसको अगर सही सही समझो, तुमने बोल दिया ओमेगा बाई टू, इट्स रॉन्ग राइट। हाफ अ रेवोल्यूशन मतलब कितना होगा, तुम्हारा पाई कितना होगा, हाफ अ रेवोल्यूशन विल बी पाई बाई टू। टेम्परेचर चेक करो भाई साहब इनका जरा, अरे 360 है ना कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो ये कितना होगा 180, हाफ रेवोल्यूशन विल बी 180, दैट इज पाई। ठीक है, ओके चलिए, तो आपका थीटा कितना हो गया पाई। ठीक है, हाफ अ रेवोल्यूशन, सो यहां पे आपका हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा, ये व्हाट इज दिस, इनका दिमाग ही नहीं खुल रहा है भाई साहब, कोहरे लगाने पड़ेंगे भाई। आ जा इधर बताता हूं क्या, अरे पर सेकंड किस चीज का यूनिट होता है, हाँ पर सेकंड, सेकंड का, टाइम का, फ्रीक्वेंसी का होता है भाई साहब, पर सेकंड, पर सेकंड और हर्ट्ज है ना। यहां से कहां जाते हो सीधा डांडिया खेलने, दिख रहा है ओके। तो यहां पे आपका भाई साहब फ्रिक नहीं वो करो, लेकिन क्या उसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है कि भाई साहब पर सेकंड और सेकंड में फर्क नहीं समझ में आ रहा है, तुम ये स्कूल यूनिफॉर्म में चले जाते हो टुकड़ टुकड़ करने ओके। तो ये हो गया पर सेकंड, पर सेकंड और हर्ट्ज, ठीक है क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, पर सेकंड और हर्ट्ज ओके। तो पर सेकंड और हर्ट्ज किसका यूनिट हो गया भाई साहब, आपका फ्रीक्वेंसी का, और ओमेगा के साथ फ्रीक्वेंसी कैसे लिंक्ड है, हाँ
प्रीमियम क्वालिटी का यूज करते हैं भाई साहब, जो भी यूज करते हैं। मिलावट है ही नहीं, जो सब्सटेंस आप लोग यूज कर रहे हैं ना प्रीमियम क्वालिटी का है। बिल्डिंग में खाना ही तो है ना, सलीना गोमेज तो नहीं आ रही ना, हाँ खाना ही आएगा ना, इतना एक्साइटमेंट क्यों है एफ? तो भाई साहब यहाँ पे क्या मैं पूछ रहा हूँ, ओमेगा और एफ में क्या है रिलेशनशिप? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये दिया तो हुआ यार, फ्रीक्वेंसी मतलब तुमको दी हुई है, हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, हाफ रेवोल्यूशन मतलब 0.5 पर सेकेंड, बस हो गया आपका 0.5 हर्ट्ज़ या 1/2 हर्ट्ज़ भी लिख सकते हो या 1/2 पर सेकेंड भी लिख सकते हो, गया ठीक है। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई एफ, ठीक है। सो दैट विल बी 2 पाई इंटू एफ, दैट इज 1/2, क्लियर है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। क्या इसमें हाथी घोड़ा पालकी था भाई साहब? ये एन हो गया कितना, एन हो गया आपका 100, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 0.10 मीटर स्क्वायर, द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया भाई साहब, आपका फ्रीक्वेंसी हो गया यहां पे हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन आप ऐसा ही लिख सकते हैं, हाफ पर सेकेंड या 0.5 हर्ट्ज लिख दो भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके द कॉइल रोटेट, तो आपका भाई साहब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा हो गई आपकी 2 पाई एफ, तो ये तो आ गया आपका भाई साहब ओमेगा 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। ओके इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू यहां पे कितनी है, 0.01 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हाँ क्या 90, क्या 90, थीटा की वैल्यू मतलब क्या ओमेगा, ओके ओमेगा टी की वैल्यू 90, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको हम थीटा भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, ठीक है। तो ओमेगा टी की वैल्यू भाई साहब इतनी आ गई, मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा भाई साहब आपका, हाँ ई की वैल्यू ई नॉट ना भाई साहब, ठीक है। तो ई की मैंने बोल दिया 50, तो 50 पे रखना क्या, एन बी ए ओमेगा, बस ये हो गया ना मैक्सिमम वैल्यू, तो खत्म करो उसमें, ठीक है। एन बी ए ओमेगा, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, तो आपका एन, एन हो गया 100, बी हो गया भाई साहब 0.01, ए हो गया भाई साहब 0.1, और ये ओमेगा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3.14, और एफ की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई आपकी 1/2, हाँ क्या लेगा, तो 1/2 ले लीजिए, क्या जाता है, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, 2 और 2 कट हो रहा है ना भाई साहब यहाँ पे, चलिए भाई साहब 2 और 2 कट हो गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 3.14, ये 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा, 314 इंटू 0.1, वाइटम वाइटम 0.001, ठीक है 1, 2, 3, तो ये हो गया आपका 0.314 वोल्ट्स, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, दिस वुड बी द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। ओके 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 चलिए फटाफट से इसको करना है, चौधरी गांव में बनी हो तुम चौधरी, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 50 टर्न्स, एन की वैल्यू भाई साहब कितनी है 50, एरिया भाई साहब कितना है 2.5 मीटर स्क्वायर, अरे तू बंद ही नहीं हो रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 2.5 एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियंस पर सेकेंड, तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू मालूम है, ठीक है,
दिस इज 60 रेडियंस पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब ये कितना है? 0.30 टेस्ला बिटवीन टू फिक्स्ड पोल पीसेस। अच्छा एक बात पूछूं, अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है, इसके बीच में आप एक फील्ड एक इसको घुमा रहे हैं, अगर उसको ना घुमाकर आप इन नॉर्थ और साउथ पोल को घुमाए तो क्या क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? मैं बोल रहा हूं आपका ये शाफ्ट है विच इज प्लेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। सो इफ आई हैपन टू एसी जनरेटर है इसके आपके भाई साहब 50 टर्न्स हैं, एरिया दिया हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू 60 रेडियंस पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब 0.3 टेस्ला बिटवीन टू फिक्स। हाँ तो मेरा आपसे सवाल था कि अगर आपने एक कॉयल को आर्मेचर कॉयल को रोटेट कर रहे हैं आप एक आर्मेचर कॉयल को रोटेट कर रहे हैं आप ठीक है बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इफ यू हैपन टू फिक्स द आर्मेचर कॉयल आप इसको रोटेट नहीं कर रहे हो और मैग्नेटिक पोल्स को रोटेट कर रहे हैं विल देयर बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड? कौन रोटेट होगा कौन रोटेट होगा? तो
हाँ कॉइल को फिक्स किया, बोल तो रहा हूँ कुछ तो इफेक्ट, क्या कोई इफेक्ट होगा? यस, करंट विल बी कंडक्टेड, ठीक है? जिस फ्रीक्वेंसी से आप इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, अगर इसको ना घुमाकर आप एक्चुअली इसको घुमाएंगे तो भी आपका उतना ही करंट जनरेट होगा, ठीक है? द सेम अमाउंट, हाँ उसको घुमाना भाई साहब बड़ा काम हो जाएगा। आप मैग्नेट्स को ऐसे घुमाएंगे, देखो हमको मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आपके आर्मेचर कॉयल को घुमाकर रखता है तो वो सही, और अगर आपके पूरे मैग्नेट को घुमाकर होता है तो वो सही। लेकिन आप देखो ना, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है वो किसके वजह से पहुंच रही है? ये जो मैग्नेटिक टर्बाइन्स हैं यही तो घूम रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैग्नेट तो घूम रहा है। ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो इतने स्पीड से जा रहा है तो ये घूम रहा है, ठीक है? या जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होते हैं उसमें जो आपका इतनी जोर से स्टीम निकल रहा है वो स्टीम भी भाई साहब आपके इनको रिट्रेट कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज द एंटायर मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आपसे सवाल है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉइल। तो आपका रेजिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है इज 500 ओम्स, ठीक है? व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर? तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई आर, और ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन बी ए ओमेगा बाई आर, ठीक है? एन की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी? 50, ठीक है? बी की वैल्यू हो गई आपका 0.30, ठीक है? एरिया आपका है कितना? 2.5 मीटर स्क्वायर में है, सब भाई साहब आपके इसमें होने चाहिए एसआई में। और आपका ओमेगा कितना हो गया भाई साहब? 60 60, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई? 500, ठीक है? चलो भाई साहब ये 75 × 6 कितना आ रहा है? ओके, तो ये आपका भाई साहब एम्पियर्स में आ जाएगा। व्हाट इज द फ्लक्स टू द कॉइल व्हेन द करंट इज जीरो? आई करंट जीरो है तो फ्लक्स कितना होगा? तुम यहां पे थी नहीं, करंट जीरो है तो फ्लक्स कितना होगा? हाँ, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज जीरो? करंट अगर आपका जीरो है हाँ तो क्या होगा वो? व्हाट विल बी? अरे पूछा है यहां पे व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज जीरो। आपका करंट यहां पे जीरो है, करंट जीरो कब होगा भाई साहब? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो हो, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाए? जीरो, मतलब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। तो इसमें आपका फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हाट इज फ्लक्स? तो फ्लक्स की वैल्यू होती है भाई साहब एन बी ए, ठीक है? एन बी ए, और ये होता है आपका कॉस ओमेगा टी, ठीक है? जब आपका ओमेगा टी का वैल्यू जीरो हो तो ये कितना हो जाएगा? वन। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन बी ए। एन की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब? एन की वैल्यू है आपका 50, बी की वैल्यू है यहां पे 0.3, और ए की वैल्यू है यहां पे भाई साहब 2.5, ठीक है? क्लियर? इसका यूनिट क्या आ जाएगा भाई? यस, यूनिट क्या आएगा इसका? इसका इसका ए फाइव का यूनिट क्या आएगा कनिष्का? हाँ वेबर पे, क्यों वेबर आ जाएगा? देखो भाई साहब यहां पे 0.3 जो टेस्ला है, अगर देखो कंफ्यूजन हो भी ना है ना, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, 50 टर्न्स है, 0.30 टेस्ला है, मतलब यहाँ पे 0.30 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, ये वेबर में आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी ओके। व्हाट इज द फ्लक्स व्हेन द करंट इज मैक्सिमम? तो करंट मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू आए वन, ठीक है? तो आपका साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर वन आती है भाई साहब, तो ये होगा कब? जब ओमेगा टी की वैल्यू हो पाई बाई टू या 90। तो आपका कॉस ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। कॉस पाई बाई टू विल बी जीरो। तो आपका भाई साहब व्हाट इज द फ्लक्स? तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो व्हेन करंट इज मैक्सिमम, ठीक है? क्लियर है? वुड द जनरेटर वर्क? देखो वही क्वेश्चन है, इफ द कॉइल वेयर स्टेशनरी, तो कॉइल को स्टेशनरी रखा गया है और मैग्नेट्स को घुमा रहे हैं, तो विल द जनरेटर वर्क? तो आंसर इज यस, इट विल वर्क, ठीक है? एंड इंस्टेड द पोल पीसेस आर रोटेटेड टूगेदर विद द सेम स्पीड एज वब अप, यस इट विल जनरेट द सेम करंट बिकॉज द फ्लक्स चेंज इज द सेम। आपका जो फ्लक्स चेंज है वो सेम होगा, ठीक है? डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू सेम ही होगी अगर सेम फ्रीक्वेंसी से आप उसको घुमा रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके। एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 मीटर स्क्वायर रोटेटिंग एट अ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियंस पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 500 ओम्स।
कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर एंड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन द कॉइल। बहुत सड़ेला सवाल है। अच्छा दूसरा वाला करो जरा, दूसरा वाला करो। वी आई गलत है, गलत है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं दूसरा वाला करो। पहला वाला इजी है, चलिए ओके इजी दोनों भी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो नहीं कर रहे हो। एन की वैल्यू यहां पे कितना है 100, ओके क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई साहब 3 मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग एट ए कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियंस पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना है 0.04 टेस्ला। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 500 ओम्स। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट यहां पे कितना हो जाएगा, आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई आर। ई नॉट की वैल्यू एन बी ए ओमेगा बाई आर, इसको निकाल सकते हैं भाई साहब। ठीक है, ये हुआ आई नॉट, क्लियर है, ओके दिस इज वेरी मच डुएबल, कोई दिक्कत नहीं, ओके ये एम्पियर्स में आ जाएगा। अभी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ तुम एक चीज का दूसरा मॉडल दे रहे हो बस, और क्या है? इसके पहले वी आई बोल रहे थे, अभी आई स्क्वायर आर बोल रहे, तो क्या मतलब कुछ फर्क तो पड़ा नहीं? मैं बोल रहा हूं वो गलत है, उसके बारे में सोचो ना, गलत क्यों है? आई स्क्वायर इंटू आर वो गलत नहीं है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या होगा? पी इज इक्वल टू भाई साहब क्या हो जाएगा, ई इफेक्टिव और आई इफेक्टिव। वी आई होता है लेकिन ई इफेक्टिव और आई इफेक्टिव, तो आपका ये ई इफेक्टिव का वैल्यू कितना होता है, ई नॉट बाई अंडर रूट टू, और ये कितना होगा आई नॉट बाई अंडर रूट टू। अब कर लो भाई साहब, ये होगा आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। सो दिस विल बी बेसिकली पी विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टू। ठीक है, ये आपका गड़बड़ था। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? वी आई नहीं होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन में आपका ई नॉट बाई अंडर रूट टू। देखो मैक्सिमम है तो इसका मतलब ई नॉट भी मैक्सिमम होना चाहिए। ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ई नॉट, आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आई नॉट। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपका इफेक्टिवनेस लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अ जनरेटर डेवलप्स एंड ईएमएफ ऑफ 120 वोल्ट्स एंड हैज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 115 वोल्ट्स व्हेन द आर्मेचर करंट इज 25 एम्पियर्स, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर? चलिए 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 जल्दी 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 फटाफट फटाफट। हो गया, जनरेटर का ईएमएफ कितना दिया हुआ है आपका, ई दैट इज इक्वल टू 120 वोल्ट्स, और आपका एक्चुअल सर्किट में कितना ईएमएफ चल रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस 115 वोल्ट्स, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, ई माइनस वी दैट इज 5 वोल्ट्स, यही भाई साहब आपका वी इज इक्वल टू आई आर होगा। ठीक है, ठीक है, व्हेन द आर्मेचर करंट, तो ये आपका 5V इज इक्वल टू आई दैट इज 25 इंटू आर। ठीक है, तो आपका आर का वैल्यू हो जाएगा 5/25 व्हाटएवर द आंसर। ठीक है, क्लियर, ओके ओके ओके। सो ये आपका कंप्लीट होता है एसी सर्किट्स। ठीक है, व्हाटएवर वी हैव डन टिल नाउ, मतलब इसमें जितने भी सवाल वगैरह किए हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिंग करंट था, फिर आपने देखा फेजर डायग्राम अगर आपको याद रहेगा, एसी सर्किट्स, फिर हमने रेजोनेंस एंड एलसी ऑसिलेशंस किया था, फिर आपका ये लास्ट टॉपिक था जो ट्रांसफार्मर का था, उसके बाद आपका ये टॉपिक बनता है विच इज बेसिकली एसी डायनामो। ठीक है, या जनरेटर, ओके तो फटाफट से एक रिवीजन है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो भाई साहब एक रेगुलर पीरियड के बाद अपना डायरेक्शन रिवर्स करे, उसको अपन एसी सर्किट बोलते हैं, इन विच
करंट इन विच फ्लोज इन ओनली वन, इन कॉन्ट्रास्ट टू डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट भाई साहब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है. सो एवरेज करंट यहाँ पे कितना होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. एवरेज करंट फॉर टाइम वेरिंग तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा, ठीक है. टाइम वेरिंग मतलब आई डी टी, टी वन से टी टू, टी टू माइनस टी वन, ठीक है. सो एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल ए सी ये कितना था, वन बाई टी बाई टू माइनस जीरो. मतलब एक एवरेज वैल्यू ले रहे हैं अपन, पूरे टाइम का नहीं, एक आधे टाइम का, ठीक है. सो जीरो से टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर हाफ साइकिल. ये एवरेज फॉर हाफ साइकिल भाई साहब टू एप्सिलॉन नॉट बाई पाई आई. तो आर एम एस क्या होता है, वॉट इज आर एम एस. देखो रूट मीन स्क्वायर, कोई भी क्वांटिटी हो एक्स वाई, कोई भी क्वांटिटी हो अगर उसका रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये जो एरोज होते हैं इसका मतलब होता है एवरेज, ठीक है. और किसी क्वांटिटी को स्क्वायर करके उसका एवरेज करके उसका रूट निकालना, दैट इज कॉल्ड आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर. अभी ये आपका वेलोसिटी हो, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे एनीथिंग, ठीक है. एनी क्वांटिटी इफ इट इज स्क्वायर्ड एंड एन एवरेज इज टेकन एंड इसका रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, रूट मीन स्क्वायर. जस्ट गो बाय द डेफिनेशन, ठीक है. ओके, तो आप अगर देखते हैं यहां पे आपका आई जो है एसी सर्किट में ऐसा साइनोसोडियल ग्राफ बनाता है, ठीक है. और आई की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी. कंफ्यूज मत होइए, आपने बोलेंगे कि भाई साहब नहीं इसमें तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू था, वो था. जनरल मैं बता रहा हूं जहां पे आपका सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और आपका ईएमएफ है, ठीक है. तो अगर ई की वैल्यू है भाई साहब कितनी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी. यहां पे आपका सिर्फ रेजिस्टेंस अगर है और अगर एसी सर्किट का ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो आपका वोल्टेज और करंट विल बी इन सेम फेज. दैट इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड इन द मिडल ऑफ द चैप्टर, बट एट द स्टार्ट एज वेल इट इज द सेम, ठीक है. ओके, तो आपका भाई साहब आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एवरेज स्क्वायर और ये, ठीक है. ई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो एक्स को चेंज कर दो, ई आर एम एस में ई का स्क्वायर और ये एवरेज और इसका रूट. आई आर एम एस मतलब आई का स्क्वायर एवरेज और इसका रूट, ठीक है. आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, वन बाई डेल्टा टी टाइम फ्रेम टी वन से टी टू आई स्क्वायर डी टी. ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, सेम ई स्क्वायर डी टी टी वन से टी टू वन बाई टी और ये आपका अंडर रूट, ठीक है. साइनोसोडियल करंट एंड वोल्टेज आई आर एम एस की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इसका एवरेज. इसी तरह से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. भाई साहब इसको आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है. ओके, तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ रही है, आई नॉट बाई अंडर रूट टू और ई आर एम एस की वैल्यू ई नॉट बाई अंडर रूट टू. आई नॉट है आपका पीक करंट, ई नॉट है आपका पीक वोल्टेज, ठीक है. और ये हो गया आपका अंडर रूट टू ई आर एम एस. देखो आई आर एम एस या ई आर एम एस को आप इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है. ई इफेक्टिव या ई, जहां पे भी आपको भाई साहब दिया है कि अ पर्टिकुलर गैजेट इज कनेक्टेड टू द एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स, ऐसा अगर आपको दिया है तो व्हाट दे मीन इज ई आर एम एस, ठीक है. अगर बोला नहीं है कि रूट मीन स्क्वायर है आपका वोल्टेज, ऐसा अगर बोला नहीं है तो भी आप मान लेंगे कि जो एसी का सोर्स वोल्टेज है वो हमेशा ई आर एम एस ही होगा, ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली आई आर एम एस. ओके, साइन ओमेगा टी भाई साहब बार इज इक्वल टू जीरो, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ, ठीक है. ये आपका है फेजर डायग्राम, ठीक है. फेजर डायग्राम मतलब आपका देखो ई है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी और लेट से आई है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ फाइव. तो इसका मतलब ई और आई में फाइव का फेज डिफरेंस है जो जनरली आपके प्योर रेजिस्टिव सर्किट में नहीं होता, वहां पे आपका ई और आई साथ चलते हैं, ठीक है. लेकिन फेजर डायग्राम से हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि आई आपका ई के पीछे चल रहा है या साथ चल रहा है या आगे चल रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटिव सर्किट और आपके इंडक्टिव सर्किट में डिफरेंसेस हैं, ठीक है. वहां पे आपका आई पीछे चल रहा है और एक में आपका आई आगे चल रहा है, ठीक है, बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू. तो फेज डिफरेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, फेज ऑफ आई दैट इज, अभी देखो फेज ऑफ आई कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है. एंड फेज ऑफ ई कितना हो जाएगा बोलो, ओमेगा टी. तो व्हाट इज फेज डिफरेंस, फेज ऑफ आई माइनस फेज ऑफ ई, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस. लेंथ ऑफ एरो पीक वैल्यू, मतलब ये देखो आपका जो ई नॉट आप पढ़ रहे थे तो ये आपका लेंथ ऑफ एरो, मतलब आपका जो ऐसे गोला बना रहे हो भाई साहब, तो ये जो आपका ई है
और ये आपका भाई साहब आई होगा, आई विल ऑलवेज बी, आई नॉट विल इन वैल्यू दिस विल ऑलवेज बी लेसर देन दिस, ठीक है, ये हमेशा इससे लेस होगा, क्यों? भाई एकदम फालतू सा सवाल। हाँ अरे भाई साहब आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो हमेशा ही भाई साहब आई जो होगा इसके मैग्नीट्यूड से ये कम ही होगा ना भाई साहब, इट्स डिविजन बाई आर, तो आर से अगर डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली ये कम ही हो जाएगा, ठीक है, तो आई की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वाइज विल ऑलवेज बी लेसर देन ई नॉट, ठीक है। देन तो पैरो प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये आपका भाई साहब जो प्रोजेक्शन है, देखो इसको अपन साइनोसोडियल ग्राफ क्यों बोलते हैं, वॉट इज साइनोसोडियल ग्राफ, तो इसका प्रोजेक्शन डालो इसमें, इसका प्रोजेक्शन डालो इसमें, तो ये कैसे हो रहा है, ट्रोंग 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 ऐसा होता रहेगा, ये अगर सिर्फ प्रोजेक्शन को अपन देखें, ठीक है, इसको विजुअलाइज कीजिए, ये आपका ई है, इसका प्रोजेक्शन अगर मैं इसमें डाल रहा हूं, ठीक है, ई नॉट, तो ये भाई साहब एक बार ऊपर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, लेकिन अगर सिर्फ इसका प्रोजेक्शन देखें हम, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो कर रहा है, इट इज बेसिकली डूइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कभी कभी सवाल आपके इस टॉपिक के सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। E की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, E नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू हम जनरली I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लेते हैं, लेकिन अगर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो आप फाई को जीरो मान सकते हैं, जिसमें आपका E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, क्लियर है, ओके। एसी सोर्स कनेक्टेड ओनली टू अ रेजिस्टर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तू कॉलेज में मार्च पास में है क्या, वो ऐसा फ्लैग लेकर ऐसे करते हैं ना, ऐसा हर समय होता रहता है, टू मच यूज टू इट सीम्स, ठीक है। एन एसी सोर्स कनेक्टेड ओनली टू अ रेजिस्टर, ठीक है, एंड इंडक्टर, कितना बेकार प्रोग्राम है ना भाई साहब, मतलब सुबह सुबह मैं कभी भी अपने स्कूल में भाई साहब टाइम पे नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरे को ये कार्यक्रम ही बहुत बेकार लगता है, सुबह सुबह बेचारे नींद से उठाकर मार्च पास करा रहे हैं सारे, और क्या वो प्रिंसिपल ऐसे मोटा सा पेंडुला का ऐसा ऐसा खड़ा रहेगा, उसको उसको सल्यूट करो, व्हाटएवर, ठीक है, मतलब दूर दूर तक इस मार्च पास का मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप अगर बोल रहे हैं ना कि भाई बच्चों में हम डिसिप्लिन कल्टीवेट कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, मिलिट्री लाइफ का या आर्मी लाइफ का इस फालतू के मार्च पास के साथ एक पैसे का भी कोरिलेशन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसको डाला हुआ है सिस्टम में। आप आर्मी लाइफ के बारे में ना मतलब 0.01% भी हमको मालूम नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यस, उनसे ज्यादा तू आवाज कर रहा है, मेरा क्लास तेरे को पसंद नहीं है ना, और तेरे को कमेंटबाजी करनी है तो मत आए, सिंपल, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू माय क्लास लीव राइट नाउ। इन इंडक्टर ये हो गया आपका प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट है भाई साहब, ठीक है, और आपका कैपेसिटर, और इनफैक्ट मैं आपको सबको चॉइस दे रहा हूं, अगर आज से आपको लग रहा है कि ये वाला क्लास मेरे लिए यूजफुल नहीं है मत अटेंड कीजिए, गेट आउट, डोंट अटेंड इट, और एल्स आई विल फाइंड अ डे व्हेन आई थ्रो यू आउट, एंड व्हेन आई थ्रो यू आउट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक यू इन, दूसरे कोई आपको अंदर ले लेंगे, मैं नहीं लूंगा। अ रेजिस्टर, दिस इज अ प्योर एसी सर्किट है, इंडक्टर ये हो गया आपका प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, ठीक है, इंडक्टर में भाई साहब आपका इंडक्शन है, और कैपेसिटर में मतलब आपका प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट है, ठीक है। ये हो गया आपका आरसी सर्किट, आरसी सर्किट मतलब हो गया आपका रेजिस्टेंस और आपका कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पे एलआर सर्किट है मतलब आपका इंडक्टर और रेजिस्टेंस, एलसी सर्किट मतलब हो गया आपका इंडक्टर और कैपेसिटर, और एलसीआर मतलब तीनों भी हो गए, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, आई नॉट की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट की वैल्यू हो गई भाई साहब ई नॉट बाई आर, विच इज पीक वोल्टेज, दिस इज पीक करंट, आई की वैल्यू हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी दैट इज जीरो, आपका ये हो गया आर, ये हो गया भाई साहब आपका ई, ई को हम हमेशा हर डेरिवेशन में ई नॉट साइन ओमेगा टी लेंगे, ठीक है, ई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, फेज डिफरेंस की वैल्यू हो गई, तो करंट इज इन फेज, आपने अभी भी देखा भाई साहब अगर हम E को ले रहे हैं क्या, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपकी I की वैल्यू कितनी होगी, I नॉट साइन ओमेगा टी
माइनस फाइव या प्लस फाइव, वॉट एवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, यहां पे फिलहाल आपका फेज डिफरेंस ओमेगा टी हो जाएगा, मतलब यहां पे द करंट एंड द वोल्टेज आर गोइंग टू बी इन सेम फेज। ठीक है, तो करंट इज इन फेज विद द पोटेंशियल, आपका यहां पे आई नॉट का वैल्यू हो गया और ये हो गया आपका ई नॉट का वैल्यू। इफ यू प्लॉट इट इन अ डायग्राम दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। ठीक है, ये भाई साहब आपका आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा, ये ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बट ये देयर स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर एंड पॉइंट थ्रू आउट द डायग्राम इज गोइंग टू बी द सेम इंक्लूडिंग देयर पीक वैल्यूज। ठीक है, जिस टाइम पे इसका पीक वैल्यू अटेन हो रहा है उसी टाइम पे आपका वोल्टेज का भी पीक वैल्यू अटेन हो रहा है, जिस टाइम पे इसका जीरो हो रहा है उस टाइम पे वोल्टेज का भी जीरो हो रहा है, जिस टाइम पे यहां पे करंट जीरो है उस टाइम पे वोल्टेज भी जीरो हो रहा है, हर बार इस लूप में ऐसा ही मिलेगा। तो दे आर इन परफेक्ट फेज। ये जो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा है ये ऑब्वियसली होगा क्योंकि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करता है, करंट के मैग्नीट्यूड को एज कंपेयर टू वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। ठीक है, ओके, अभी प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट है तो इंडक्टिव एसी सर्किट में क्या हो जाएगा, आपका करंट जो है पाई बाई टू के फेज से लैग बिहाइंड करेगा। ठीक है, वोल्टेज के फेज से आपका करंट पीछे चलेगा, तो ई की वैल्यू हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंडक्टिव सर्किट है। और इसका रीजन क्या है, व्हाई इज इट मूविंग बिहाइंड, क्यों व्हाई इज इट मूविंग बिहाइंड, व्हाई इज द करंट बिहाइंड इंडक्टिव सर्किट में, व्हाई इज द करंट रनिंग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट का जो फेज है वो पाई बाई टू से नीचे, या सिंपल व्हाई इज इट बिहाइंड द वोल्टेज। क्यों है, वाई नहीं, करंट नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारी प्लॉटिंग है, लेकिन वाई इज द करंट लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट भाई साहब लैग क्यों कर रहा है वोल्टेज के, माइनस में शायद थोड़ा सा सही जा रहे थे, बोलो बोलो भाई साहब, नहीं कैसे आया, लेकिन वो इंडक्टर में बेसिकली हो क्या रहा है, इंडक्टर देखो एक सोलेनोइड टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर इसमें एसी करंट जा रहा है तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ चालू होगा विच विल अपोज द एक्सटर्नल ईएमएफ, इसके वजह से भाई साहब करंट आपका लैग बिहाइंड करेगा। ठीक है, देयर विल बी एन ईएमएफ विच विल बी जनरेटेड इनसाइड इट। तो आपका लेंज लॉ क्या बोलता है कि वेन एवर देर इज एन ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड, ये जो ओरिजिनल ईएमएफ है उसको अपोज करेगा, दिस विल अपोज इट। ठीक है, तो वो लेंज लॉ के हिसाब से इसमें ये ईएमएफ को अपोज करेगा, जिसकी वजह से आपका करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज। ठीक है, उसका लैग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, करंट लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया भाई साहब। अगर आप देखोगे यहां पे करंट और वोल्टेज में आपका पाई बाय टू का डिफरेंस है, मतलब करंट जब आपने मैक्सिमम वैल्यू पे है तो सॉरी अपना ईएमएफ जब आपका मैक्सिमम वैल्यू पे है तो करंट सिर्फ पाई बाय टू पे ही है। ठीक है, सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में क्या हो जाएगा भाई साहब, कैपेसिटिव सर्किट में आपका करंट विल बी हेडिंग बाय 90 डिग्रीज देन द वोल्टेज, एंड व्हाई विल दिस हैपन, इसका रीजन क्या है, मतलब कंसेप्चुअल रीजन क्या है, वो तो हम डायग्राम से वगैरह से या डेरिवेशन से इधर पहुंचे हैं, बट व्हाट इज द कंसेप्चुअल रीजन। ओके, तो यहां पे आपका भाई साहब एसी सोर्स है, यहां पे आपका लेट से प्लस हो गया है और ये आपका माइनस हो गया है। ठीक है, तो आपका भाई साहब करंट क्या हो गया, ये आपका वोल्टेज है, तो वोल्टेज कब तक चलेगा भाई साहब, जब तक आपका कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज ना हो जावे, और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फुल्ली चार्ज के पहले उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपका करंट जो है द करंट विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ द वोल्टेज है, करंट आपका, क्योंकि यहां पे स्टोर्ड चार्जेस है, एक कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्जेस होते हैं। ठीक है, दीज आर प्लस एंड माइनस चार्जेस, सो यहाँ पे करंट भाई साहब आपका वोल्टेज से हमेशा आगे चलेगा, करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया भाई साहब, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। ठीक है, एक्स सी इज बेसिकली व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू कितनी है ओमेगा सी, एक्स एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू कितनी है ओमेगा एल। ठीक है, ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब द रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड पीक वोल्टेजेस कैन बी रिटन एज आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई जेड, जेड आपका क्या हो गया इंपीडेंस। ठीक है, इंपीडेंस इज वॉट, इंपीडेंस इज वॉट बताइए भाई साहब क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस, इसमें देखो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इनमें से कोई भी ग्रेटर वैल्यू का हो सकता है। ठीक है,
जब आप स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका नेगेटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर तो ये हो गया आपका इंपीडेंस, ठीक है। ऐसा यूनिट इज आपका ओम। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपका जेड की वैल्यू, इंपीडेंस की वैल्यू आर हो जाएगी, क्योंकि ना ये एग्जिस्ट कर रहा है और ना ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या हो जाएगा, 1/ωC, जेड की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 1/ωC, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जेड इज इक्वल टू ओमेगा एल। करंट भाई साहब ई नॉट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो अगर फाई की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे प्योरली अगर आपका रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाई का वैल्यू जीरो है, और आपका रिएक्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, तो अगर वोल्टेज आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो आपका करंट कितना होगा, दैट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर विथ नो फेज डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी आपका अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द, सॉरी करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। तो अब देखो यहां पे साइन ओमेगा टू माइनस पाई बाई टू लिख दिया है, या आप आई को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, व्हाटएवर, ठीक है। यहां पे आपका रिएक्टिव मतलब आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओमेगा एल। यहां पे भाई साहब ये हो जाएगा, दिस विल बी ई नॉट बाई वन, क्योंकि देखो यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो ओमेगा एल होगा, दिस रेजिस्टेंस विल बी ओमेगा एल। तो करंट आपका क्या है भाई साहब, फाई की वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाई टू, वाई माइनस पाई बाई टू, क्योंकि देखो आप जब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे जाते हो एंटी क्लॉकवाइज, सो द एंगल्स आर टेकन एज पॉजिटिव, बट इफ यू गो दिस वे देन द एंगल्स आर टेकन एज नेगेटिव। और फिलहाल यहां पे आपका जो वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज के बीच में पाई बाई टू है, तो मतलब अगर आप देखोगे यहां पे वोल्टेज क्या है, करंट से अगर आप वोल्टेज में जा रहे हैं या वोल्टेज से आप करंट में जा रहे हैं, तो यू आर बेसिकली मूविंग नेगेटिव, इसलिए माइनस पाई बाई टू, ठीक है। और कैपेसिटर है तो प्लस पाई बाई टू है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। तो आपका यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका इंडक्टर है, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर, मतलब इंडक्टर और रेजिस्टर है तो सॉरी कैपेसिटर है, आर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे टेन फाइव की वैल्यू हो जाएगी 1/ωC आर, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई जेड, ठीक है। स्टेडी स्टेट ऑफ करंट इन द सर्किट, तो आपका भाई साहब आरसी कॉम्बिनेशन है ये, जहां पे आपने एक कैपेसिटर और रेजिस्टर को रखा है, तो ऑब्वियसली अगर कैपेसिटर और रेजिस्टर को, अगर हम सिर्फ कैपेसिटर को रखते हैं, तो आपका जो करंट है वो भाई साहब वोल्टेज से 90 डिग्री पे है, वोल्टेज से 90 डिग्री पे है, ठीक है। और अगर आपने भाई साहब रेजिस्टर रख दिया तो ये बीच में कहीं पे होगा, इट विल बी समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। तो द करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फाई, ये फाई की वैल्यू 90 से कम होगी, क्या ये समझ में आ रहा है, ये फाई की वैल्यू 90 से कम होगी, क्यों, व्हाई विल दिस बी लेस देन 90। देखो भाई साहब आपका वोल्टेज है ये और आपका भाई साहब करंट है ये, करंट जो सर्किट में है उसका फेज और आपका वीआर का फेज हमेशा सेम होगा, समझ में आ रहा है, जो वोल्टेज इन द रेजिस्टर है इनका फेज सेम रहेगा भाई साहब। देखो यहां पे जो करंट है, ठीक है, और यहां पे देखो आपका ऐसे सर्किट किया है ना, तो ये वाला जो करंट और ये वाला जो करंट है वो सेम होगा कि नहीं भाई साहब, भूल जाओ ये सब, अगर दो रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, ठीक है, सो व्हाट इज सेम, वोल्टेज और करंट, करंट इज सेम, तो करंट इज सेम, तो मतलब इसमें जो करंट जा रहा है और इसमें जो करंट जा रहा है वो सेम होगा, तो करंट इसका और इसका सेम फेज में होगा, इसका करंट कितना होगा, इसका करंट विल बी ऑब्वियसली जो इसका वोल्टेज होगा उतने के हिसाब से होगा ये, ठीक है। सो ये वाला करंट कितना होगा भाई साहब, वी बाई आर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस बाई आर, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस बाई आर, तो ये हो गया भाई साहब आपका आई नॉट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा भाई साहब आपका ई नॉट, ये वी आर और ये वी सी, ऑब्वियसली भाई साहब आपका वोल्टेज इधर आएगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पे सिर्फ वोल्टेज लूं किसका, अगर लेट से ई मतलब ये सप्लाई का वोल्टेज है, और अगर मैं सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहा हूं, तो सप्लाई का वोल्टेज, ठीक है, और इसके बीच में कितने का होगा भाई साहब, बताइए डिफरेंस, मतलब आपका जो करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस होगा वो होगा आपका 90 डिग्रीज का, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला 90 डिग्री से कम होगा ना, दे आर मीटिंग अप समवेयर इन बिटवीन। देखो ये वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर है और ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 90 डिग्री लेसर देन द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, क्या ये समझ में आ रहा है। देखो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विड बी पाई बाई टू इन फेज लेसर देन द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट,
एंड द करेंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज इन सिंक विद द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। ये दोनों सिंक में रहेंगे भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब आपका, इसको अपन मान सकते हैं वीआर का डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन है वही वीआर का डायरेक्शन हो जाएगा और ये वीसी का। तो अगर वीआर और वीसी का हम रिजल्टेंट निकालें तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ईएम व्हिच हैज टू बी मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई व्हिच इज लेसर देन पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 से लेस ही होगा अगर आपका इंडक्टर सॉरी अपना कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर आरसी सर्किट है बेसिकली, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखो भाई साहब यहां पे ये हो गया आपका Z, ये हो गया भाई साहब आपका R, ये हो गया आपका X, C। तो आपका phi का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan phi का वैल्यू हो जाएगा 1 by, ठीक है, XCR। कॉम्बिनेशन LR कॉम्बिनेशन भाई साहब आपका रेजिस्टेंस और L का। तो आपका हमने देखा कि अगर सिर्फ इंडक्टर है सो इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 90 degrees, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इंडक्टर का करंट लू विल इट बी द सेम एज द रेजिस्टर का करंट, यस इट विल बी। और रेजिस्टर का करंट भाई साहब अगर हमने प्लॉट किया तो इंडक्टर यहां पे जो करंट जा रहा है और यहां पे जो करंट जा रहा है वो सेम होगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस करंट को ले लिया, ये वाला करंट जो आपके इसमें जा रहा है, तो ये लेट से वीआर हो गया, तो ऑब्वियसली इस करंट से 90 degree, इस करंट से 90 degree अहेड होगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में होगा आपका ई नॉट, लेकिन यहां पर भी ये जो पाई बाई 2 की फाई की वैल्यू है दिस विल बी लेसर देन पाई बाई 2 इन बोथ द केसेस, ठीक है। प्रॉपर पाई बाई 2 से दोनों भी लेस होंगे, ठीक है, ओके। तो आपका टैन फाई का वैल्यू आ गया भाई साहब ओमेगा एल बाई आर, ठीक है, द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाई फाई, ठीक है। टोटल वर्क डन इन अ साइकिल इज हाउ मच, ठीक है, वर्क डन होता क्या है भाई साहब आपका हाफ ये ई नॉट आई नॉट, हाफ कहां से आया अभी हमने किया इसको, ठीक है। तो यहां पर आपका भाई साहब एक्चुअली में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है, और कॉस पाई। कॉस पाई कहां से आ रहा है, कॉस पाई कहां से आ रहा है, अरे वर्क डन क्या होता है, इनसे पूछ रहे वर्क डन क्या होता है, अरे वर्क डन क्या मालूम, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बंदरों वाली हंसी और बनमानुस वाली हरकत। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, राइट, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी वर्क डन किन दोनों क्वांटिटीज के बीच में है, आपका वी आई होता है वर्क डन, ठीक है, वी इंटू आई, तो वी और आई के बीच में अभी एक एंगल बन रहा है। जब आपका एल आर सर्किट है या एल सी आर सर्किट है या आर सी सर्किट है, वॉट एवर द सर्किट इज, देर इज एन एंगल विच इज गेटिंग फॉर्म, इसीलिए हम इस कॉस पाई को ले रहे हैं। द सेम, इट इज द सेम इन कोरिलेशन विद दिस। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है भाई साहब फिजिक्स में, कभी कभी हर चीज के लिए आपको डीप डाउन डेरिवेशन नहीं करना पड़ता है, सिंपल इसको कोरिलेट कीजिए। एफ एस कॉस थीटा होता है, व्हाट इज दिस थीटा, इट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो इफ आई वेट टू कैलकुलेट वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज वी आई ई इंटू आई और वी इंटू आई, सो ऑब्वियसली इफ देर इज अ डिफरेंस इन फेज ऑफ वी एंड आई, आई विल हैव टू टेक दैट इंटू कंसिडरेशन एज पर दिस। तो ये आपका कॉस फाइव, सिंपल, ठीक है। अभी ई आर एम एस की वैल्यू आपने देखा भाई साहब क्या होती है, ई नॉट बाई अंडर रूट 2, आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट बाई अंडर रूट 2, दैट्स हाउ यू गेट दिस 2, ठीक है। इससे आपको ये बेसिकली टी मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है, वर्क डन, ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया वर्क डन, एवरेज पावर डिलीवर्ड, एवरेज पावर डिलीवर्ड भाई साहब कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है, ओके ओके ओके। फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो इसमें भाई साहब ई और आई का क्या ही वैल्यू हो जाएगा, मतलब ई और आई में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो आपका जो कॉस है उसका फाई की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, वी आई हो जाएगा बेसिकली, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वी आई, ठीक है। प्योरली रिएक्टिव सर्किट, प्योरली रिएक्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब पाई बाय 2, ठीक है, और माइनस पाई बाय 2, व्हाटएवर इज एप्लीकेबल, ये आपका पावर एवरेज हो जाएगा, ठीक है। पावर इन एसी सर्किट, तो आपका पावर एवरेज हो जाएगा इतना, ठीक है, ई आर एम एस आर एम एस कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगा आर बाय जेड, यही है आपका पावर फैक्टर, जिसपे आपके एक सवाल आया था और जिसका आप पता नहीं जवाब दे पाए हैं या नहीं, ठीक है।
एंड इट्स रियली पुअर दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू आंसर दिस। कॉस फाई की वैल्यू, ये पावर फैक्टर है, दिस इज आर बाई जेड, ठीक है, आर अपॉन अब जेड का वैल्यू भाई साहब आर स्क्वायर बाई वन प्लस ओमेगा सी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका पावर इन एसी सर्किट, ठीक है, ये हो गया अगेन कॉस फाई, यहाँ पे भी आपका आर बाई जेड ही होगा पावर फैक्टर, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टर है तो इसलिए भाई साहब इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा आपका ओमेगा एल, क्योंकि कैपेसिटर है तो इसलिए आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वन बाई ओमेगा सी, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। आई एम की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इंपीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, एक्ससी का स्क्वायर माइनस एक्सएल का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ले देकर मुद्दा यही है कि ये नेगेटिव नहीं रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ ही जाएगा, ठीक है, तो इसको अपन जेड दैट इज इंपीडेंस लिख सकते हैं। अभी डिपेंड करता है पल्ला किसका भारी है, अगर भाई साहब आपका एक्स सी का पल्ला भारी है तो उसके हिसाब से आपका टैन फाई होगा, टैन फाई की वैल्यू होती है एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ठीक है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, या उल्टा भी हो सकता है, अगर इसका पल्ला भारी है तो एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इस तरह से आपका भाई साहब इंपीडेंस होगा इफ ओमेगा इज वेरिड। अभी ओमेगा अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया कि एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू बराबर आ जाए तो इट विल बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी, हाँ बोलिए, अरे बोलिए ना बोलिए, ठीक है, सो यहाँ पे एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू भाई साहब इज कमिंग टू बी इक्वल, तो एक्स एल माइनस एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे दिस विल बी जेड विल बी इक्वल टू आर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, दैट विल बी बिहेविंग एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। करंट इज मैक्सिमम, क्योंकि करंट आपका मैक्सिमम क्यों हो जाएगा, व्हाई विल दिस बी मैक्सिमम, क्योंकि एक्स एल माइनस एक्स सी की जो अभी तक वैल्यू आप कंसिडर कर रहे थे वो जीरो आउट हो चुकी है, ठीक है, और वो जीरो आउट हो चुकी है तो करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे आपका भाई साहब अपन बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली आपका अगर एक्स एल और एक्स सी बराबर है रेजोनेंस सर्किट में, सो दिस विल बी ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, तो आप कर लो भाई साहब ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू वन, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई एल सी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई अंडर रूट एल सी, ठीक है, अभी ओमेगा को आप क्या ही लिख सकते हैं बोलो, टू पाई एफ लिख सकते हैं, दैट विल बी वन बाई अंडर रूट एल सी, तो आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया वन बाई टू पाई एल सी, क्लियर है भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी रेजोनेंस, ओके, आई एम की वैल्यू हो गई, इंपीडेंस की वैल्यू हो गई, एल सी आर सर्किट, ओमेगा इज वेरिड एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक, तो फिर से आ रहा है भाई सर, नहीं यार आगे जा रहे हैं, ओके okay, यहाँ पे देखो क्वालिटी फैक्टर था, एक क्वालिटी फैक्टर इस पे देखो, ये एक पीक वैल्यू ऑफ करंट है जहां पे दो बार ऐसा इस वैल्यू से आप गुजरते हैं, ठीक है, तो क्वालिटी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस विल बी इक्वल टू ओमेगा बाय टू डेल्टा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा नॉट एल बाय आर, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब, इस पे सवाल भी कर चुके हैं, ठीक है, ओके, लार्जर द बैंडविड्थ लेसर इज द क्वालिटी फैक्टर, जितना ज्यादा ये वाला बैंडविड्थ होगा, दिस इज बेसिकली द बैंडविड्थ, ये जितना ज्यादा होगा उतना कम आपका क्वालिटी फैक्टर होगा, ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट रेजोनेंस। ट्रांसफॉर्मर में देखिए आपका ई एस बाई ई पी एन एस बाई एन पी होगा, विल बी इक्वल टू आई पी बाई आई एस, जिसको आपने कैसे पढ़ा हुआ है भाई साहब, ई टू बाई ई वन इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ओके, स्टेप अप में क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका ई टू का वैल्यू ई वन से ज्यादा होगा, ठीक है, और स्टेप डाउन में ई टू की वैल्यू ई वन से कम होगी, बाकी सारी फैक्टर्स को आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओह एकदम डुंग डुंग के लिए भाई साहब एकदम रेडी, जाइए डुंग डुंग कीजिए।